पूर्वी लद्दाख में चीन को भारत के एक ऐसे बहादुर पलटन का सामना करना पड़ रहा है जिसके हर एक सैनिक के दिल में चीन को धूल चटाने की आग दशकों पहले सुलग रही है। यह फौजी पलटन है तिब्बती शरणार्थियों का। 30 अगस्त को इसी पलटन के बहादुर सैनिक तेंजिन म्यामा लैंडमाइन विस्फोट की चपेट में आकर शहीद हो गए थे। चीनी आधिपत्य के खिलाफ की असफल क्रांति के बाद तेंजिन म्यामा का परिवार 1966 में तिब्बत में अपना सब कुछ छोड़कर भारत आ गया था। 1987 में जब तेंजिन महज 18 वर्ष के थे तभी उन्होंने लेह स्थित इंडियन आर्मी के बेस कैंप जाकर तिब्बती सैनिकों के स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेज SFF में भर्ती होने की इच्छा जताई थी। दरअसल म्यामा की तरह हर तिब्बती शरणार्थी भारत के प्रति अपना आभार जताने और चीन के कब्जे से अपनी जमीन को वापस लेने को लेकर इसी तरह का जोश और जज्बे से लबालब है। म्यामा के बड़े भाई न्यावो कहते हैं, SFF को हमारे असली दुश्मन चीन के खिलाफ इससे पहले कभी तैनात नहीं किया गया था। भारत सरकार जानबूझकर उन्हें भारत चीन सीमा पर तैनात नहीं करती थी, लेकिन जुलाई महीने में स्थिति पलट गई। SFF में तैनात तिब्बत के वीर जवानों को अपने असली दुश्मन के सामने डटने का मौका मिल गया। उन्हें चीन की तरफ अग्रिम मोर्चा पर भेज दिया गया। न्यावो अपने भाई की आखिरी बातचीत याद करते कहते हैं, उसने मुझसे कहा था कि न्यावो यह पहले जैसा नहीं है, यह कारगिल या बांग्लादेश नहीं है, हम आखिरकार अपने दुश्मन से लड़ रहे हैं। SFF ने 1999 में और 1971 के युद्ध में हिस्सा लिया था। बीते 30 अगस्त को जब परिवार के पास उनकी कॉल आई तो उन्होंने कहा कि अपने असली दुश्मन के छक्के छुड़ाने का वक्त आ गया है। उन्होंने लद्दाख की चोटियों से अपनी 76 वर्षीय माँ दामा पालजोंग को सरप्राइज कॉल की थी। 51 वर्षीय न्यामा के बड़े भाई तेंजिन न्यामो उस बातचीत को याद करते हुए कहते हैं, भाई ने माँ से कहा था कि LEC पर हालात बहुत खराब है, उन्होंने कहा था कि कुछ भी हो सकता है। तब न्यामा बहुत तनाव में थी, हालांकि यह कोई नई बात नहीं थी क्योंकि वो अपनी कंपनी के साथ उन पहाड़ी दर्रों से 200 किलोमीटर की कम दूरी पर तैनात थी जहां भारत और चीन के सैनिक एक दूसरे के सामने डटे हुए थे। न्यामा वीडियो कॉल के दौरान अपने तीनों बच्चों और पत्नी से बात करना चाहते थे लेकिन यह संभव नहीं हो सका। उन्होंने अपने परिवार से कहा था, हमारे लिए प्रार्थना करो। पूरे परिवार ने उनकी रक्षा की प्रार्थना की लेकिन कुछ घंटे बाद ही पेंगोंग झील के दक्षिण किनारे पर चुशूल में पेट्रोलिंग करते हुए वो लैंडमाइन विस्फोट की चपेट में आ गए। न्यामा ने भारत ही नहीं अपनी मिट्टी तिब्बत के लिए भी अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, जबकि उनके एक साथी तेंजिन लोडेन बाल बाल बच गए, हालांकि वो जख्मी जरूर हो गए। तेंजिन न्यामा का शव तिरंगे के साथ साथ तिब्बती झंडे में लपेट कर लेह स्थित उनके घर लाया गया। लेह में बसा पूरा तिब्बती समुदाय न्यामा के अंतिम दर्शन को उमड़ पड़ा। तिब्बती शरणार्थी के अंदर चीन के खिलाफ रोष का ज्वार भाटा उठ खड़ा हुआ है। सभी ने तेंजिन म्यामा अमर रहे, SFF जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, साम्राज्यवादी चीन मुर्दाबाद के नारों से आसमान को गुंजायमान कर दिया। उनके अंतिम संस्कार के मौके पर BJP महासचिव राम माधव पहुंचे तो तिब्बती शरणार्थियों की रगों में बहता खून मानो कई गुना गति से प्रवाहित होने लगा। सब के सब सिर्फ चीन को शिकस्त देने को आतुर दिखे। बहरहाल न्यामा के बलिदान के बाद SFF ने इलाके के रणनीतिक तौर पर बेहद अहम मोर्चा पर कब्जा करने में बेहद अहम भूमिका निभाई। न्यामा के बड़े भाई न्यावो ने कहा कि तिब्बती जाबाजों में चीन के खिलाफ युद्ध लड़ने का उत्साह लाजमी है। उन्होंने कहा, हर एक तिब्बती चीन से लड़ना चाहता है क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ भारत के लिए नहीं है बल्कि यह हमारी धरती के लिए भी है, यह हमारी पहचान की लड़ाई भी है जिसे हमसे छीन लिया गया है। यही वजह है कि 51 साल की उम्र में भी न्यामा ने अग्रिम मोर्चे पर जाने की जिद की और वो गए भी। न्यावो ने कहा कि यह उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई है और संभव है कि वो जिंदा घर नहीं लौट सके। न्यामा अगले वर्ष मार्च में रिटायर होने वाले थे। न्यावो कहते हैं कि 30 साल बाद उसके साथ वक्त गुजारने का मौका मिलने वाला था। वो कहते हैं, हमने भाई को जरूर खो दिया लेकिन तिब्बती समुदाय के लिए बहुत कुछ हासिल कर लिया। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।